वेलकम टू केमिस्ट्री प्लेनेट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस वो टाइट्रेशंस होती हैं जहां पे हम एंड पॉइंट निकालते हैं बाय कंडक्टेंस मेजरमेंट, यानी टाइट्रेशन का एंड पॉइंट या इक्विवेलेंस पॉइंट हम कंडक्टेंस मेजरमेंट से निकालते हैं, उसको हम कहते हैं कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। या मैं कह सकता हूं डिटर्मिनेशन ऑफ एंड पॉइंट ऑफ ए टाइट्रेशन बाय मीन्स ऑफ कंडक्टेंस मेजरमेंट इज नोन एज कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। ये जो टाइट्रेशंस रहती है ये जनरली रहती है या तो एसिड बेस्ड टाइट्रेशंस जिनमें हम कंडक्टोमेट्री से एंड पॉइंट निकाल सकते हैं, या फिर प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशंस या प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस रहती हैं जिनमें हम एंड पॉइंट निकाल सकते हैं। अब कंडक्टेंस मेजरमेंट से कैसे पॉसिबल है कि इनका हम एंड पॉइंट निकालें? देखो, एक्चुअली अगर हमें इस चीज को समझना है, ये पूरा अगर समझना है, तो उसको हमें स्टेप बाय स्टेप समझना होगा। सबसे पहला पॉइंट याद रखना कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का अगर हम एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे कंडक्टेंस मेजर करेंगे तो वो कंडक्टेंस डिपेंड करता है कि उस इलेक्ट्रोलाइट में नंबर ऑफ आयन्स कितने हैं, और दूसरा डिपेंड करता है कि उन आयन्स की मोबाइलिटी कितनी है। देखो, कुछ आयन्स की मोबाइलिटी कम रहती है, कुछ की ज्यादा रहती है। तो इन आयन्स के बेसिस पे, डिफरेंट आयन्स के बेसिस पे हम बता सकते हैं कि इसमें कौन सा सोल्यूशन है और कौन सा बन रहा है, एंड पॉइंट कहां पे आएगा। ठीक है, मैंने ये कहा कि इसे हम समझना अगर चाहेंगे तो इसे हम स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे, समझना होगा हमें स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, इस लेक्चर को बिल्कुल एंड तक देखना। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं इसको समझाने के लिए। पहले सिंपल सी एग्जाम्पल, सपोज हमारे पास में HCl है, हमने एक बीकर में HCl लिया, इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड्स डाल दिए, इस HCl का अपना एक कंडक्टेंस होगा। ठीक, मान लो ये HCl अननोन कंसेंट्रेशन का, हमें पता नहीं कि इसका कंसेंट्रेशन कितना है। अगर हम इसके अंदर NaOH यानी बेस डालते हैं तो ये HCl NaOH आपस में रिएक्ट होके NaCl प्लस वाटर बनाएंगे। ठीक है, HCl का अपना कंडक्टेंस है, जब मैं NaOH डालूंगा तो वो NaCl बन जाएगा, तो NaCl का अपना कंडक्टेंस होगा। फॉर एग्जाम्पल, HCl का कंडक्टेंस ज्यादा रहता है एज कम्पेयर टू NaCl। जब HCl और NaOH का मैं रिएक्शन लगाऊंगा तो HCl का कंडक्टेंस डिक्रीज होता जाएगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे इसकी कंडक्टेंस मिनिमम हो जाएगी, उसके बाद में कंडक्टेंस फिर इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पे HCl पूरा कंज्यूम हुआ, और जितना HCl था उतने ही हमने NaOH डाले होंगे तभी जाके ये पूरा HCl कंज्यूम होगा। यानी यहां पे जितना NaCl बनना था बन गया। इसके बाद में जब हम एक्स्ट्रा NaOH डालते हैं तो यहां पे कंडक्टेंस फिर से बढ़ जाती है। इसका मतलब ये वाली जो कंडक्टेंस है ये NaOH की वजह से होगी। HCl का भी कंडक्टेंस ज्यादा, NaOH का भी कंडक्टेंस ज्यादा, लेकिन NaCl का कंडक्टेंस यहां पे कम होगा। तो ये जो मिनिमम पॉइंट है इसको हम कहेंगे इक्विवेलेंस पॉइंट या एंड पॉइंट। ठीक है, अब ये जो ग्राफ हमने लिया, ये हम लेते हैं कंडक्टेंस वर्सेस वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट। अब टाइट्रेंट क्या रहता है? टाइट्रेंट रहता है वो जो हम इस बीकर में लेते हैं, इस कंडक्टेंस सेल में लेते हैं पहले। ठीक है, और टाइट्रेंट रहता है जिसके साथ में इसका हम टाइट्रेशन करते हैं, जिसकी मदद से हम इसका कंसेंट्रेशन निकालते हैं, इसको हम कहते हैं टाइट्रेंट। यानी ब्यूरेट में जो लेते हैं वो टाइट्रेंट और नीचे जो लेते हैं वो टाइट्रेंट। ठीक है, याद रखना टाइट्रेंट की जो कंसेंट्रेशन है वो हमेशा ज्यादा रखी जाती है, यानी बीकर वाले की कम और ब्यूरेट वाले की कंसेंट्रेशन ज्यादा रखी जाती है। क्यों? क्योंकि जब हम इसमें ये ब्यूरेट से ऐड करेंगे NaOH तो ये बीकर पूरा भर न जाए, यानी इसमें वॉल्यूम ज्यादा बढ़ने जाए, इसकी वजह से हम इसका कंसेंट्रेशन ज्यादा रखते हैं। ठीक है, टू कीप वॉल्यूम चेंज स्मॉल, राइट। ये आपको अगर समझ में आया होगा तो ठीक, अगर नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, ये आराम से समझ में आएगा, इसको बस देखना है, एंड तक देखते रहना है। अब अगर आपको कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन को समझना है तो मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं पहले जो आपको याद रखनी है। एक स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट जो रहते हैं, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स, उनमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन
बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए उनकी जो कंडक्टेंस है वो भी हाई रहती है। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम, इसका मतलब नंबर ऑफ आयन्स कम बनेंगे और कंडक्टेंस भी कम हो जाएगा। ये होगा एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कंडक्टेंस ऑफ एच पॉजिटिव एंड ओ एच नेगेटिव जो रहती है वो हाई रहती है, क्योंकि इनकी आयोनिक मोबाइलिटी सबसे ज़्यादा। तो जब भी आप कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन करेंगे सबसे पहले देखना कि इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रांग है कि वीक है, ठीक है। अगर स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है तो कंडक्टेंस ज़्यादा होगा, डिसोसिएशन कंप्लीट होगा, ठीक है। उसके बाद में देखना डिसोसिएशन के बाद में एच पॉजिटिव आयन्स और ओ एच नेगेटिव आयन्स बन रहे हैं क्या, ठीक है। अगर एच पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव आयन्स बन रहे हैं तो इसका मतलब वहां पे कंडक्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ती है। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है, जब भी आप ग्राफ प्लॉट करेंगे कंडक्टेंस मेजरमेंट में तो आपको नज़र रखनी है कि स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट बन रहा है कि कम हो रहा है। अगर स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट बढ़ रहा है तो इसका मतलब कंडक्टेंस भी बढ़ेगा, अगर स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट कम हो रहा है तो कंडक्टेंस भी कम होगा। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट मीन्स स्ट्रांग बेस, स्ट्रांग एसिड और सॉल्ट। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स मीन्स वीक एसिड और वीक बेस, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना कि मोबाइलिटी ऑफ ओ एच नेगेटिव और एच पॉजिटिव इज वेरी हाई, ठीक। अब इसके बाद में मैं आपको जनरल आयोनिक मोबाइलिटी दिखाता हूं। देखो एसिड्स में या पॉजिटिव आयन्स में एच पॉजिटिव की मोबाइलिटी सबसे ज्यादा, उसके बाद में के पॉजिटिव, उसके बाद में कैल्शियम डाई पॉजिटिव, फिर मैग्नीशियम डाई पॉजिटिव, फिर सोडियम पॉजिटिव, फिर लिथियम पॉजिटिव, ठीक है। और नेगेटिव आयन्स में ओ एच नेगेटिव, सल्फेट टू नेगेटिव, बी आर नेगेटिव, ठीक है। और उसके बाद में आयोडाइड आयन, क्लोराइड आयन, नाइट्रेट आयन और फ्लोराइड आयन, ये आयोनिक मोबाइलिटीज याद रखना, ठीक है। आपको क्या करना है, बस जब भी कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस हो आपको स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट को देखना है और उसके बाद में देखना है कि ये बढ़ रहा है कि घट रहा है। अब एग्जांपल एक लेते हैं, मैं एक टाइट्रेशन लेता हूँ, टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रांग एसिड वर्सेस स्ट्रांग बेस, ठीक है। स्ट्रांग एसिड लिया मैंने HCl जैसे मैंने ऊपर डिस्कस किया, और स्ट्रांग बेस लूंगा मैं NaOH, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों की जब रिएक्शन होगी तो ये NaCl बनेगा प्लस H2O बनेगा, ठीक है। अब आपको ये भी याद रखना है कि HCl की कंडक्टेंस NaCl से ज़्यादा रहती है, क्यों, क्योंकि HCl भी स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है, NaCl भी स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है, लेकिन HCl में जो कैटायन है वो है H पॉजिटिव आयन, और H पॉजिटिव आयन की आयनिक मोबाइलिटी सबसे ज़्यादा, क्लियर, शाबाश। अब मैं इस बीकर में मान लो लिया मैंने एसिड, ऊपर से मैं बेस डाल रहा हूँ और मैं कंडक्टेंस मेजर कर रहा हूँ। सपोज मैंने 1 ml बेस डाल दिया, कंडक्टेंस मेजर किया तो कंडक्टेंस डिक्रीज, फिर दूसरे ml पे फिर डिक्रीज, फिर डिक्रीज, फिर डिक्रीज, फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे कंडक्टेंस मिनिमम हो जाएगा। उसके बाद में जब आप एक्स्ट्रा NaOH और डालेंगे तो ये कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। ये जो कंडक्टेंस डिक्रीज हो रहा है HCl का, ये इसलिए डिक्रीज हो रहा है क्योंकि HCl NaOH के साथ में रिएक्ट होकर NaCl बना रहा है, ठीक है। तो HCl कम हो रहा है तो इसका मतलब स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट कम हो रहा है, हाई आयोनिक मोबाइलिटी वाला H पॉजिटिव कम हो रहा है और NaCl बन रहा है। ये पॉइंट जो यहाँ पे, ये पॉइंट, इस पॉइंट पे पूरा HCl कंज्यूम हो जाएगा, यानी जितने HCl थे उतना हमने NaOH डाल दिया। इस पॉइंट को मैं बोलूंगा NaOH इज इक्वल टू HCl, यानी इसको बोलूंगा मैं इक्विवेलेंस पॉइंट, या मैं बोलूंगा इसको एंड पॉइंट, राइट। इस पॉइंट के बाद में अगर मैं एक्स्ट्रा NaOH डाल दूंगा NaOH, तो इस इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस फिर बढ़ेगी, क्यों, क्योंकि NaOH भी स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है और यह बनाता है Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, इसमें OH नेगेटिव आयन्स बन रहे हैं और नेगेटिव आयन्स में सबसे ज्यादा आयोनिक मोबाइलिटी OH नेगेटिव की है, ठीक है। एक तो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट होने के बाद में ये OH नेगेटिव प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए यहाँ पे कंडक्टेंस बढ़ रहा है। और ये कंडक्टेंस NaCl की वजह से नहीं बढ़ रहा बल्कि NaOH की वजह से बढ़ रहा, तो ये NaOH की कंडक्टेंस। अब इसके बाद में हमने ग्राफ लिया कंडक्टेंस वर्सेज वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट, यानी वॉल्यूम ऑफ NaOH। अब दूसरा मैं टाइट्रेशन लेता हूँ, स्ट्रांग एसिड वर्सेज वीक बेस। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रांग एसिड मैंने लिया HCl और वीक बेस लिया मैंने अमोनियम हाइड्रोक्साइड, या मैं बोलूंगा सिंपली अमोनिया इन वाटर, उसी को हम कहते हैं
अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी एक्वस अमोनिया। ठीक, यहां पे जब रिएक्शन होगी यहां पे क्या बनेगा, यहां बनेगा अमोनियम क्लोराइड प्लस वाटर यानी HOH यानी H2। अमोनियम क्लोराइड जो ये सॉल्ट है, सॉल्ट मीन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, HCl भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, लेकिन अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है, तो वीक बेस मीन्स ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसका मतलब इसकी डिसोसिएशन कम होगी और इसकी कंडक्टेंस अमोनियम हाइड्रोक्साइड की कम होगी। ठीक है, शाबाश। अब हम यहां पे बताता हूं मैं आपको, देखो कंडक्टेंस ऑफ HCl विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ कंडक्टेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड। क्यों? क्योंकि HCl में आपको पता है कि H पॉजिटिव आयन्स होते हैं जिनकी आयनिक मोबाइलिटी बहुत ही ज्यादा है, ये भी सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, लेकिन इसके आयन्स की या इसके कैटायन की आयनिक मोबाइलिटी उतनी ज्यादा नहीं है। क्लियर? अब जब मैं टाइट्रेशन शुरू करूंगा, पहले HCl की कंडक्टेंस, प्योर HCl की कंडक्टेंस ज्यादा होगी, फिर जब इसमें मैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालूंगा तो अमोनियम क्लोराइड बनेगा, अमोनियम क्लोराइड की कंडक्टेंस कम है। जब पूरा HCl कंज्यूम हो जाएगा तो ये कंडक्टेंस यहां तक पहुंच जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अगर मैं इसमें और अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल दूं तो अब तो अमोनियम क्लोराइड नहीं बनेगा, अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड हो रहा है, लेकिन अमोनियम हाइड्रोक्साइड खुद वीक इलेक्ट्रोलाइट है, उसकी वजह से कंडक्टेंस बढ़ेगा नहीं, कंडक्टेंस सिर्फ बढ़ता है किसकी वजह से, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट की वजह से। तो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट सिर्फ इसमें HCl था और अमोनियम क्लोराइड है, लेकिन अमोनियम क्लोराइड की कंडक्टेंस HCl से ज्यादा नहीं है, इसलिए पहले कंडक्टेंस डिक्रीज हो जाएगी। जब पूरा HCl कंज्यूम यानी जितना अमोनियम क्लोराइड बनना था उतना बन गया, अब आप इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड कितना भी डाल दो इस पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा और खुद तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इन्हें खुद ये कंडक्टेंस नहीं बढ़ा सकता, इसलिए इसका जो कंडक्टेंस है वो फिर कॉन्स्टेंट रहेगा। अब ये जो पॉइंट है जहां पे ये चेंज हो गया, मूड जहां पे चेंज हो गया, इसको मैं कहूंगा एंड पॉइंट, यानी वो पॉइंट जहां पे HCl और अमोनियम हाइड्रोक्साइड आपस में बराबर है, यानी इक्विवेलेंट पॉइंट, इक्विवेलेंस पॉइंट भी बोल सकता हूं इसको। ठीक, अब तीसरा टाइट्रेशन लेते हैं, वीक एसिड वीक बेस। वीक एसिड लिया मैंने फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड और वीक एसिड स्ट्रांग बेस और ये वीक एसिड, इन दोनों में जब हम रिएक्शन लगाएंगे, देखो वीक एसिड की तो वीक एसिड मीन्स वीक इलेक्ट्रोलाइट, इसकी कंडक्टेंस बहुत ही कम होगी। अगर मैं इसमें NaOH डालता हूं, NaOH मीन्स स्ट्रांग बेस, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, ये और ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो यहां पे बनेगा सोडियम एसिटेट, सोडियम एसिटेट इज सॉल्ट, सॉल्ट मीन्स स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, तो इसका मतलब हम वीक इलेक्ट्रोलाइट को स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो कंडक्टेंस है वो बढ़ेगा, है ना, शाबाश। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एसिटिक एसिड की कंडक्टेंस मान लो ये है, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल रहा हूं तो इसकी कंडक्टेंस बढ़ती जाएगी, जब पूरा एसिटिक एसिड कंज्यूम हो जाएगा, यानी जितना एसिटिक एसिड इसमें था उतना हमने जब NaOH डाल दिया तो उसके बाद में यहां पे चेंज नजर आएगा। ठीक, इसके बाद चेंज क्यों, इसके बाद में जब हम एक्स्ट्रा NaOH डालते हैं तो यहां पे कंडक्टेंस एकदम से बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि यहां तक तो सिर्फ सोडियम एसिटेट बन रहा था, ये सोडियम एसिटेट की कंडक्टेंस सोडियम हाइड्रोक्साइड से ज्यादा नहीं है, क्योंकि आयनिक मोबाइलिटी ऑफ OH नेगेटिव इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एसिटेट आयन CH3CO नेगेटिव। क्लियर, इसके कंपैरिजन में इसकी आयनिक मोबाइलिटी ज्यादा है, Na तो कॉमन है इनमें, Na पॉजिटिव, राइट। तो यहां पे पहले धीरे धीरे बढ़ेगी, सोडियम एसिटेट बन रहा है, यहां पे बनना बंद हो जाएगा क्योंकि एसिटिक एसिड जितना था उतना सब खत्म। उसके बाद में जब हम एक्स्ट्रा NaOH डालेंगे तो इसकी कंडक्टेंस एकदम से बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि NaOH बहुत ज्यादा स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है, इसकी कंडक्टेंस सोडियम एसिटेट से बहुत ज्यादा है। अब जहां पे ये बेंड आ रहा है इसको मैं बोल सकता हूं ये एंड पॉइंट है। ठीक है, अब आप ये वाला ग्राफ याद रखेंगे, लेकिन एक बात मैं आपको याद दिलाऊं, जब भी हम इसका ये जो है ना
इसका प्लॉट जब हम शुरू करते हैं, यानी जब हम टाइट्रेशन शुरू करते हैं एसिटिक एसिड वर्सेस एनएओएच, तो पहले थोड़ा सा डिक्रीज होता है यहाँ पे कंडक्टेंस, उसके बाद में इंक्रीज होना शुरू होता है। डिक्रीज क्यों होता है? देखो, एसिटिक एसिड खुद वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जब हम इसमें एनएओएच डालते हैं तो सोडियम एसिटेट बनता है, ठीक है। एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन इस तरह, ये इस तरह आयन्स बनाता है लेकिन कम बनाता है। अब अगर मैं एनएओएच डालूं तो सोडियम एसिटेट बनेगा, है ना। सोडियम एसिटेट का जो एसिटेट आयन है, ये और ये एनायन, ये कॉमन है, इस कॉमन आयन की वजह से यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट होता है और इसको पुश बैक करता है इधर, तो ये कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से पहले डिक्रीज होता है उसके बाद में इंक्रीज होता है। क्लियर, समझ में आ रही है बात? शाबाश। सो इट इज ड्यू टू दिस कर्व इज ड्यू टू सोडियम एसिटेट, बट दिस कर्व इज ड्यू टू एनएओएच। आपको याद रखना, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट से मतलब कंडक्टेंस कम, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट मीन्स कंडक्टेंस ज्यादा। और HCl और NaOH का जब देखते हैं, HCl का भी कंडक्टेंस ज्यादा रहता है और NaOH का भी कंडक्टेंस हमेशा बाकियों से ज्यादा रहता है। क्लियर, ये बात दिमाग में बिठा देना। अब और एक एग्जांपल है, वीक एसिड एंड वीक बेस। वीक एसिड मान लो एसिटिक एसिड लिया और वीक बेस लिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों की जब आपस में रिएक्शन हो जाएगी तो क्या बनेगा? देखो, यहां से निकलेगा वाटर बाहर, राइट, H2O निकलेगा बाहर, और पीछे बचेगा अमोनियम एसिटेट। क्या बचेगा? अमोनियम एसिटेट, वाटर प्लस अमोनियम एसिटेट। अब ये सॉल्ट है, याद रखना, सॉल्ट मीन स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एसिटिक एसिड में अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल देंगे तो वो सॉल्ट में कन्वर्ट होता जाएगा, इसका मतलब अमोनियम एसिटेट बन रहा है, तो इसकी कंडक्टेंस बढ़ जाएगी, यानी स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट बन रहा है। वीक इलेक्ट्रोलाइट से क्या बन रहा है? स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, तो कंडक्टेंस बढ़ेगी। जब पूरा एसिटिक एसिड खत्म हो जाएगा, इसका मतलब जितना अमोनियम एसिटेट बनना था यहां तक बन गया, उसके बाद में आप कितना भी अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालो, इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो उसकी वजह से कंडक्टेंस नहीं बढ़ेगा। कंडक्टेंस कब बढ़ता है? सिर्फ स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट की वजह से, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट के बाद में ये कांस्टेंट रह रहा है ग्राफ, इसको बोलूंगा मैं कि ये एंड पॉइंट है या इक्विवेलेंस पॉइंट है, यानी वो पॉइंट जहां पे एसिटिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड आपस में बराबर हो गए, कंसंट्रेशन में बराबर। इसके बाद में और एक टाइट्रेशन लेते हैं, स्ट्रांग एसिड एंड स्ट्रांग बेस, इन दोनों का कॉम्बिनेशन वर्सेस लेते हैं वीक बेस। मान लीजिए हमारे पास में HCl और एसिटिक एसिड का कॉम्बिनेशन है एक बीकर में, उसके ऊपर हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, तो क्या होगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड पहले स्ट्रांग एसिड से रिएक्ट करेगा और ये बनाएगा अमोनियम क्लोराइड, ये बन जाएगा अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, प्लस बनेगा H2O वाटर। फिर उसके बाद में जब HCl खत्म हो जाएगा, पूरा कंज्यूम हो जाएगा, उसके बाद में यहां पे बनेगा ये वाटर और उसके बाद में बनेगा अमोनियम एसिटेट, यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस एसिटिक एसिड, अमोनियम एसिटेट, ठीक है। शाबाश। तो अब मैं टाइट्रेशन शुरू करता हूं। ये मान लो ये है कंडक्टेंस, अब यहां पे HCl भी है, एसिटिक एसिड भी है। जब मैं इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करूंगा तो सबसे पहले HCl खत्म होना शुरू हो जाएगा, HCl कम मीन्स कंडक्टेंस कम, ठीक, कंडक्टेंस खत्म हो रहा है, सॉरी कम हो रहा है। कंडक्टेंस कम क्यों हो रहा है? क्योंकि HCl इसमें से गायब हो रहा है। क्लियर, और बन क्या रहा है? अमोनियम क्लोराइड, HCl से HCl और अमोनियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम क्लोराइड बना रहे, पहला रिएक्शन। जब यहां पे HCl खत्म हो जाएगा तो इसका मतलब कंडक्टेंस कम हो गया, जितना होना था कम हो गया। उसके बाद में आती है एसिटिक एसिड की बारी। एसिटिक एसिड तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, उसी कंडक्टेंस तो वैसे ही कम रहती है, लेकिन जब मैं इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल दूंगा तो यह बनाएगा अमोनियम एसिटेट, तो अमोनियम एसिटेट की कंडक्टेंस एसिटिक एसिड के कंपैरिजन में ज्यादा होगी, इसलिए यहां पे कंडक्टेंस बढ़ेगी, क्योंकि एसिटिक एसिड किसमें कन्वर्ट हो रहा है? अमोनियम एसिटेट में, तो ये बढ़ेगी यहां तक। जब एसिटिक एसिड पूरा खत्म हो जाएगा, यानी जितना अमोनियम एसिटेट बनना था बन गया, उसके बाद में आप कितना भी अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल दो, इसकी कंडक्टेंस नहीं बढ़ने वाली, क्योंकि अब कोई नया सॉल्ट नहीं बन रहा, अब आप वीक इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे, तो बढ़ता कब है कंडक्टेंस? जब स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट बनता है। कम कब होता है कंडक्टेंस? जब स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट खत्म हो रहा है, ठीक है। और सबसे ज्यादा कंडक्टेंस कब बढ़ता है? जब आप HCl डालते हैं या NaOH डालते हैं। क्लियर,
यानी जब NaOH बन रहा है या HCl बन रहा है, यानी इस ये इन दोनों की मौजूदगी में सबसे ज्यादा कंडक्टेंस होता है। अब देखो यहाँ पे दो बैंड आए, एक तो ये पॉइंट जहाँ पे HCl पूरा खत्म हुआ, इसको मैं बोलूंगा फर्स्ट एंड पॉइंट। इसके बाद में दूसरा ये वाला पॉइंट यहाँ पे एसिटिक एसिड पूरा कंज्यूम हुआ, इसको मैं बोलूंगा सेकंड एंड पॉइंट, या मैं बोलूंगा फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट। ठीक, तो दो इक्विवेलेंस पॉइंट है, समझ में आ रही है बात। अब हम लेते हैं तीसरा टाइट्रेशन, तीसरा नहीं है पता नहीं कितने नंबर का, लेकिन जो भी है हम ये वाला जो टाइट्रेशन है ना, इसमें लेंगे हम स्ट्रांग एसिड वीक एसिड वर्सेस स्ट्रांग बेस। इससे पहले हमने वीक बेस लिया था, अब हम स्ट्रांग बेस लेंगे। ठीक है, देखो इसमें हम ये ले सकते हैं एक HCl प्लस CH3COH, राइट, और इसके साथ में ऐड करेंगे हम NaOH। क्लियर, तो यहां पे क्या होगा, सबसे पहले HCl और NaOH रिएक्ट करेंगे और बनाएगा NaCl, यानी पहले HCl खत्म हो जाएगा, इसका मतलब कंडक्टेंस डिक्रीज हो जाएगी, उसके बाद में एसिटिक एसिड रिएक्ट करेगा। अब इस ग्राफ को तो बहुत ही आसान है समझना, ये HCl था यहां पे, हमने इसमें NaOH डाला, HCl कम हो रहा है, HCl कम होगा तो कंडक्टेंस कम, जब पूरा HCl कंज्यूम तो हमें फर्स्ट एंड पॉइंट मिलेगा, इस पॉइंट पे NaOH और HCl आपस में बराबर होंगे। उसके बाद में बारी आती है एसिटिक एसिड की, एसिटिक एसिड तो खुद वीक इलेक्ट्रोलाइट है, लेकिन अगर मैं इसमें NaOH डाल रहा हूं, एक्स्ट्रा NaOH है ना, ये NaOH इसके लिए, अब और NaOH डाल रहा हूं, तो वो एसिटिक एसिड को सोडियम एसिटेट में कन्वर्ट करेगा, सोडियम एसिटेट क्या है, सॉल्ट, तो इसका मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड एसिटिक एसिड स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट यानी सोडियम एसिटेट में कन्वर्ट हो रहा है, CH3COONa में कन्वर्ट हो रहा है, तो कंडक्टेंस तो बढ़ेगा, है ना, बढ़ेगा, और जब तक एसिटिक एसिड है तब तक बढ़ता जाएगा, जब एसिटिक एसिड पूरा कंज्यूम हो जाएगा, यानी जितना सोडियम एसिटेट बनना था उतना बन गया, उसके बाद में अगर आप फर्दर NaOH ऐड करते हैं तो फिर जो कंडक्टेंस आएगी वो आएगी ड्यू टू Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव, और Na पॉजिटिव OH नेगेटिव की कंडक्टेंस बहुत ज्यादा रहती है, इसी तरह HCl की भी कंडक्टेंस बहुत ज्यादा रहती है, बाकियों की कम रहती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो है ये कंडक्टेंस HCl खत्म हो रहा है, यहाँ पे सोडियम एसिटेट बन रहा है, और ये वाला NaOH की वजह से, ये वाला पीक, तो ऐसे तीन कर्व्स आएंगे, मैं बोलूंगा दो एंड पॉइंट्स आएंगे इसमें। अब और एक जो टाइट्रेशन है वो है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वर्सेस स्ट्रांग एसिड, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वर्सेस लेंगे हम स्ट्रांग एसिड। यहां पे जो रिएक्शन होगी वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, मैं बताऊंगा कैसे। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास सॉल्ट है, एसिटिक एसिड का सॉल्ट सोडियम एसिटेट, इसका रिएक्शन मैं लगाता हूं HCl के साथ में, तो हमें मालूम है कि यहां पे बनेगा NaCl और बनेगा एसिटिक एसिड। ठीक है, अब HCl जो है HCl की कंडक्टेंस एसिटिक एसिड या सोडियम एसिटेट से हमेशा ज्यादा है ना, लेकिन देखो सोडियम एसिटेट एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है और थोड़ा सा NaCl बन रहा है, अब एसिटेट और NaCl का जो कंडक्टेंस है वो दोनों का ऑलमोस्ट बराबर है, इस तरह से यहां पे भी सोडियम है यहां पे भी सोडियम है, तो यहां पे कंडक्टेंस में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, यानी जब आप HCl डालेंगे तो यहां पे सोडियम एसिटेट के बदले में NaCl बन रहा है जो कंडक्ट कर सकता है, तो एक ही बात है, तो इसका मतलब थोड़ा सा ही इंक्रीज होगा, लेकिन एसिटिक एसिड जब पूरा खत्म हो जाएगा उसके बाद में जब आप और HCl डालते हैं, अब उस HCl के साथ रिएक्ट होने को यहां पे सोडियम एसिटेट नहीं बचा है ना, तो यहां पे अगर आप HCl और डालते हैं तो यहां पे ये जो कंडक्टेंस कर्व है ये HCl की बनेगी, यानी कंडक्टेंस बढ़ेगी क्योंकि अब खुद HCl कंडक्टेंस दिखा रहा है अकेला HCl। क्लियर, तो यहां पे आपको ये इंक्रीजिंग कर्व मिलेगी, कंडक्टेंस इंक्रीज होगी। ठीक, इसको गौर से देख लेना। अब लास्ट वाला जो टाइट्रेशन है दैट इज ग्रेविमेट्री, यानी हम प्रेसिपिटेशन कर सकते हैं कंडक्टोमेट्री के लिए, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। फॉर एग्जांपल मेरे पास में सोडियम नाइट्रेट है, सोडियम नाइट्रेट का रिएक्शन अगर मैं पोटेशियम क्लोराइड के साथ लगाऊं, ये भी सॉल्युबल है ये भी सॉल्युबल है,
लेकिन इन दोनों की जब रिएक्शन होगी तो यहां पे बनता है AgCl जो इनसॉल्युबल इन वाटर है, या मैं बोलूंगा ये प्रेसिपिटेट बनाएगा, ठीक है, और साथ में बनाएगा के पॉजिटिव एनओ थ्री नेगेटिव, याद रखना, ठीक है, के पॉजिटिव एनओ थ्री नेगेटिव। अब देखो गौर से देखना, मैं AgNO3 का कंडक्टेंस ले रहा हूं, इसका कंडक्टेंस ये है, इसके अंदर मैं ऐड कर रहा हूं KCl, तो KCl के बदले में यहां पर KNO3 बनेगा, सॉरी AgNO3 कन्वर्ट हो जाएगा AgCl में और साथ में बनेगा KNO3, तो AgCl कंज्यूम हो रहा और KNO3 बन रहा है। Ag और K पॉजिटिव का आयनिक मोबाइलिटी जो है ये ऑलमोस्ट सेम रहती है, यहां पे भी नाइट्रेट, यहां पे भी नाइट्रेट, तो इसका मतलब कंडक्टेंस ज्यादा नहीं बढ़ेगा। AgNO3 नीचे था, ऊपर से हम KCl डाल रहे हैं, तो यहां पे AgNO3 के बदले में AgCl बन रहा है जो प्रेसिपिटेट बना रहा है, जिसका कोई कंडक्टेंस नहीं, लेकिन साथ में और एक चीज बन रही, क्या? KNO3। KNO3 तो इलेक्ट्रोलाइट है ना। अब K पॉजिटिव की और Ag पॉजिटिव की जो आयनिक मोबिलिटी है, मैंने कहा वो ऑलमोस्ट सेम रहती है। अब इसके पास में भी नाइट्रेट, इसके पास में भी नाइट्रेट, तो इसका मतलब KCl डालने से यहां पे पहले कंडक्टेंस इंक्रीज नहीं होगी, क्योंकि AgNO3 रिप्लेस हो रहा है लेकिन KNO3 बन रहा है और दोनों का कंडक्टेंस ऑलमोस्ट सेम। अब ये पॉइंट जिसे मैं एंड पॉइंट कहूंगा, ये वो पॉइंट है जहां पे पूरा AgNO3 जितना भी था वो कंज्यूम हो गया। अब अगर हम इसमें और KCl डालेंगे तो वो KCl AgNO3 के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, बल्कि वो खुद कंडक्ट करेगा एज KCl, तो यहां पे कंडक्टेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि कंडक्टेंस जो KCl की रहती है वो ज्यादा रहती है एज कंपेयर टू KNO3, क्योंकि आयोनिक मोबाइलिटी ऑफ Cl नेगेटिव इज ग्रेटर देन दैट ऑफ क्लोराइड आयन, नाइट्रेट आयन, आयनिक मोबाइलिटी ऑफ क्लोराइड आयन इज ग्रेटर देन आयनिक मोबाइलिटी ऑफ नाइट्रेट आयन, ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो यहां पे ये जो इंक्रीज हो रहा है ये हो रहा है ड्यू टू KCl। अब कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन का एडवांटेज क्या है? देखो पहले पहली बात जो आपको याद रखनी चाहिए, वहां जहां पे ऑर्डिनरी इंडिकेटर्स काम नहीं कर सकते वहां पे हम कंडक्टोमेट्री से इजीली एंड पॉइंट निकाल सकते हैं, और यहां पे आप कितना भी डाइल्यूट सॉल्यूशन हो उसका एंड पॉइंट निकाल सकते हैं कंडक्टोमेट्री के लिए, जबकि जो हम कलरीमेट्री से निकालते हैं या जो हम इंडिकेटर लगा के टाइट्रेशन करते हैं उसमें उतना इजी नहीं होता एंड पॉइंट निकालना, यहां पे एंड पॉइंट निकालना इजी होता है। इसके अलावा आप वीक एसिड वीक बेस का भी टाइट्रेशन कर सकते हैं, और इसका जो एंड पॉइंट रहता है वो ज्यादा एक्यूरेट रहता है क्योंकि हम वो ग्राफिकली निकालते हैं, ठीक है, और इसमें ज्यादा एक्स्ट्रा केयर लेने की जरूरत नहीं होती। जैसे आम टाइट्रेशन में हमें स्मॉल ड्रॉप ऐड करने पड़ते हैं, यहां पे आप स्मॉल ड्रॉप ऐड करने की कोई जरूरत नहीं, आप एक एक एमएल भी या आधा एमएल इजीली ऐड कर सकते हैं टाइट्रेशन के दौरान, ठीक है। और एंड पॉइंट कैसे मिलता है, मान लीजिए हमें ग्राफ ऐसे मिला, ऐसे मिल गया ग्राफ, तो एंड पॉइंट अगर हमें देखना हो तो हम क्या करते हैं, इस लाइन को एक्स्ट्रापोलेट करते हैं, यानी अगर हमें बीच में अगर मिस भी हुआ तो हम लाइन्स को एक्स्ट्रापोलेट करके एंड पॉइंट निकाल सकते हैं, तो इसमें एंड पॉइंट निकालना इजी है। तो ये था थोड़ा बहुत कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस के बारे में, आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, अगर ठीक लगा तो कमेंट में लिखो जरूर, अगर नहीं लगा वो भी बताना, ज़्यादा अच्छा लगा तो लोगों के साथ में शेयर करो और लाइक ज़रूर करना, ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया ही होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए फिलहाल बाय।